सच्चिदानंद, मन वचन काया की संगी क्रिया ये क्या है, इनका समझाने की कृपा। संगी क्रिया ने क्या, क्या आपने किसी को टच किया तो देह की संगी क्रिया होती है। आदमी बोला कि वो आदमी ऐसा है तो वाणी की संगी क्रिया हो गई, और मन से किसी के लिए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी सोचते हैं तो मन की संगी क्रिया हो गई। ये मन वचन काया की संगी क्रिया ने, क्या नाम है आपका? MSB मेहता, मेहताब सिंह। तो मेहताब सिंह के मन या वाणी या वर्तन किसी के लिए कुछ भी टच करो या स्पीच से बोलो या विचार के सोचो तो मन वचन का है कि संगी क्रिया हुई सामने वाले के साथ, और वो संगी क्रिया मेहताब सिंह की है, उससे आप जुदा हो। तमाम संगी क्रियाओं से आप असंग हो। हमारे देह से असंग है, मगर देह किसी के साथ भी कुछ व्यवहार करे तो भी वो करने वाला से भी मैं जुदा हूँ। मन वचन काया की तमाम संगी क्रियाओं से मैं असंग हूँ। समझ में आया? बाद में संगी क्रिया में आगे भी आता है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। क्रोध मान में वो भी संगी क्रिया, उससे भी आप अलग हो। समझ में आया? विचार वाणी वर्तन या कषाय, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये विषय विकार सब संबंधों विकारी संबंध सब संगी क्रिया में जाता है, और आप असंग हो उसमें। समझ में आया? नैनमल कोठारी। ज्ञान तो कल लिया है, लेकिन बचपन से लगाकर कल तक कई ऐसे कर्म इस लाइफ में हो गए, बहुत चिकने कर्म थे, तो उनको अभी कैसे धो सकते हैं? नैनमल कर्म पैक हो गया है, नैनमल जुदा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये तो समझ में आया ना? हाँ, ये अभी कर्म किसके, नैनमल के है। हाँ, नैनमल को बिठाने का, चलो आज टाइम है, एक घंटा बैठेंगे, जो बुरे कर्म हो गए या बहुत नुकसान करे एक दूसरे को, ऐसे कर्म हो गए तो सबको याद करके, एक एक व्यक्तियों के साथ याद करके प्रतिक्रमण करते जाने का, एक एक व्यक्ति लेने की, और उसके साथ जो राग द्वेष मोह अभाव तिरस्कार जो भी प्रकार के दोष हुए याद करके पश्चाताप कराने का, और हे दादा भगवान उस शुद्धात्मा को भी याद करने के, शुद्धात्मा भगवान ये व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दोष हो गया, दिल से मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। 5-10 मिनट पछतावा लेके दूसरा प्रतिक्रमण करने का, और नैनमल को अच्छा अब अच्छा किया, और अब इसके साथ और 5 बार करो, अभी दूसरी व्यक्ति लो उसके साथ प्रतिक्रमण करो, ऐसे जुदापन की जागृति भी रखनी है। नैनमल प्रतिक्रमण करेंगे वो हम देखने वाले जानने वाले, वो जागृति में रह के उनके पास कराते रहना है। समझ में आया आपने? ऐसा तो नहीं है कि वो कर्म एक पैक हो गया हो फिर वो आगे के लाइफ में भुगतने के लिए आवे? नहीं नहीं, ये हम लोग जहाँ तक इस देह में हम जिंदा है वहां तक जितने भी प्रकार के दोष है मुख्य तो उसके बीच जल जाते ज्ञान से, फिर भी हमें कुछ याद आते रहता है कि इसके साथ ये किया था वो कितना गलत हो, तो नैनमल को बोलने का प्रतिक्रमण करो तो रहा सहा कचरा भी जल जाएगा। समझ में आया? ऐसे और जो व्यक्ति संसार से विदाई हो चुकी है तो उसके भी प्रतिक्रमण करने से उसके साथ का वैर वैर सब धोया जाता है, तो भले ये देह छोड़ के दूसरे देह में है तो सही, कहां भी ये व्यक्ति ने चेन्नई छोड़ के बॉम्बे में जन्म लिया है तो उधर तो है, और आत्मा तो सब फोन पहुंचता है जहां है वहां, और हमारा गुना माफ हो जाता है, तो वो वाइब्रेशंस वहां पहुंचेंगे और हमारा गुना माफ हो जाएगा। यानी आप प्रतिक्रमण करोगे, वो जो व्यक्ति जिंदा थे तब वो देह में जो आत्मा था उस आत्मा को याद करके वो व्यक्ति के लिए जो भी राग द्वेष हुए वो प्रतिक्रमण करने से हमारे दिल में उसके प्रति जो राग द्वेष थे वो हमने धो डाले तो हम मुक्त हो जाते हैं, और उन शुद्धात्मा के साक्षी से हम माफी मांग ली, हमारा दोष धोया गया, चाहे वो कोई फॉर्म में वो हाँ बाद में ये देह छोड़ के चले गया, फिर भी जो देह में थे उस टाइम पे हमने जो दोष किया वो याद करोगे तो हमारे राग द्वेष हम धो डालते हैं, हम मुक्त हो जाएंगे। जय सचिदानंद। चित्रा गोयल। दीपक सर, मुझे ये जानना है कि हमें, आपने कल ज्ञान विधि में बताया कि ज्ञान लेने के बाद हमारे पिछले कर्म भस्म हो जाते हैं, तो कॉजेस कर्म भस्म हो जाते हैं। हाँ जी, पिछले कर्म के फल तो आएंगे अभी। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दैट हैज बीन बर्न? देखो कॉजेस
कॉजिस कर्म जो है वो खत्म होते हैं, उसके वजह से ही मैं शुद्ध आत्मा हूँ लक्ष्य बैठता है, और जो इफेक्ट देने वाले हैं वो तो चित्रा जी को इफेक्ट आके रहेगी, वो बंद नहीं हो जाएंगे, वो स्टॉप नहीं हो जाएंगे, जीवन के मृत्यु तक एक एक कर्म के इफेक्ट आके रहेगी। वो जो चार्ज कर्म था कॉजिस वाला पार्ट वो खत्म हो गया, और वो खत्म हुआ उसका प्रूफ क्या, तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ लक्ष्य बैठ जाता है। नहीं तो कितना अलख निरंजन बोला जाता आत्मा को, कोटि उपाय से कितने अवतारों से मैं कौन हूँ वही लक्ष्य में नहीं आया था, और कितना भी आत्मा हूँ करेंगे वापस थोड़ी देर के बाद चले जाता था, क्योंकि कॉजिस खत्म नहीं हुए थे। ये चार्ज पार्ट बंद हुआ, कॉजिस वाला पार्ट बंद हुआ तो ही ये जागृति शुरू हुई। ये रॉन्ग बिलीफ है मैं चित्रा हूँ, रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर होती है और राइट बिलीफ सेट होती है मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये रॉन्ग बिलीफ खत्म हुई, रॉन्ग बिलीफ से कर्म चार्ज होते थे, वो चार्ज करने वाला पार्ट चले गया जी, तो ही ये मैं शुद्ध आत्मा हूँ राइट बिलीफ सेट होगी। ओके, तो दूसरा सवाल ये है कि हमें ज्ञान विधि के ज्ञान करने के बाद जिंदगी में कैसे पता चलेगा, क्या सबूत है कि हमने ये किया और इस वजह से ये हुआ? वो तो पूछना तो मालूम नहीं होता है, सिर्फ आज फल आएगा तो हमें समझ में आता है कि मैं किसी को दुख दिया है तो मुझे दुख आया है, और सुख दिया है तो सुख आएगा, उतना समझ में आ जाएगा। एग्जैक्ट तो केवल ज्ञानी ही बता सकेंगे कि कौन सी प्रकार की गलती हुई थी, उसका क्या प्रकार का फल आया है, और वो जानने की मेहनत मत करो। जैसे हमने बिजनेस में कुछ गड़बड़ किया है, मगर अभी जब हम 2 महीने जेल भुगत के आ गए तो गुना भी धोया गया बोला जाता है, और कौन सा गुना था बात पूरी हो गई। तो ये जीवन में हम जो दुख भुगत लेते हैं, संभव से एक एक फाइल का निकाल करते हैं, उस टाइम पे हमारे पिछले कर्म के फल उसमें आके खत्म हो जाता है। और एक हम लोग जिंदगी में कुछ जिंदगी लाइफ में अड़चने आती हैं, जैसे शादी करनी है बच्चों की, तो हम पंडित जी के पास जाते हैं कि उनकी मैच कर दो, तो ज्ञान विधि करने के बाद इसकी जरूरत है या पहले भी जरूरत नहीं थी और बाद में भी जरूरत नहीं है? ज्ञान लो या ना लो, मैच तो आप गए, ज्योतिष के पास जाओगे तो अलग बताएगा, पंडित जी के पास जाओगे तो अलग बताएगा। तो उसका समाधान, समाधान यानी क्या है कि व्यवस्थित के अधीन है, हमारे पास तो आगे का ज्ञान मिल गया कि नहीं वो हमारी लड़की की शादी के लिए लड़के का जन्म होने का बाकी होगा कि वो मिलने का बाकी होगा? मिलने का, हाँ टाइम फैक्टर बाकी है, व्यवस्थित टाइम आ जाएगा तो हो जाएगा, तब तक पॉजिटिव रहो, प्रयत्न करते रहो और नो नेगेटिविटी। और लड़की को भी समझा देगा, उसके बाल कम है, वो आदमी जरा फैटी है, वो जरा चश्मे वाला, ऐसे कोई नेगेटिव मत सोचो, दिल में ठीक लगे तो पसंद करके शादी कर लें। तो मतलब जन्म पुत्री को के पीछे नहीं जाने का? सचमुच तो आप मानते हो तो जाओ, और घर वाले कोई मानते हो तो जाओ, नहीं मानते नहीं, नहीं मानते तो मत जाओ, क्योंकि कोई फॉरेन वाला जन्म पत्री का देख के शादी करता ही नहीं है, हम ही सिर्फ मानते हैं। मगर हमारा तो दादाजी का ज्ञान लेने के बाद तो जन्म पत्रिका, क्योंकि 1 सेकंड का भी चेंज होएगा तो पूरा चेंज हो सकता है लाइफ का रिजल्ट में, यानी हमें तो अभी व्यवस्थित का ज्ञान मिल गया है कि रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आएगा, हमें तो एक एक फाइल का संभव से निकाल करना है, वर्तमान में रहना है। राजेश चेन्नई। जय सच्चिदानंद, कल ज्ञान विधि ली और सुबह से इतना अच्छा लग रहा है कि ये जागृति है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दादा भगवान आला का आभारी रहूँगा जिंदगी भर। और मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइल नंबर 1 है, जो अब तक जो कर रहे थे, जैसे अच्छे कपड़े पहनना, वो देखना, मूवी देखना है, तो उसको रोकना है या संभव से निगाह करना है कि जो चाहिए तू कर, अपने आप जो फाइल नंबर 1 को मिलना, जो तुझे पसंद है कर, अपने आप छूट जाके उसको रोकना हर काम की, क्योंकि हर जगह लोभ तो है ही है। नॉर्मलिटी रखो, अभी सत्संग में आते हो तो नॉर्मल कपड़ा पहनो, किसी को मोह ना हो जाए, और किसी की शादी में गए तो एकदम सादा मत पहनो, थोड़ा नॉर्मल रखो। जैसी जैसी जगह है, ऑफिस में जाते हैं तो जो कपड़ा पहनना पड़े, तो ऐसे नॉर्मल व्यवहार में जो नॉर्मलिटी है, जो सब लोग करेंगे उतना प्रकार का हम भी करेंगे। एक्सेस भी मत करो और इन्फीरियर भी मत करो, इन्फीरियर करोगे स्त्री भी नहीं करोगे और मन में चुपते रह गए, अरे स्त्री भी नहीं किया, कितना गंदा दिखता है, सब लोग अच्छे कपड़े पहन के घूमते, मैं बरोबर नहीं, तो भी मन डिप्रेस हो जाएगा। हमें नॉर्मलिटी रखनी है, अबव नॉर्मल, यानी सब लोग अभी सत्संग में आप इतना फर्स्ट क्लास 20,000 वाली घड़ी पहन के आओगे, थोड़ा सोने की चेन पहन करके आएंगे, परफ्यूम डालेंगे,
और इधर बैठ, अरे भाई नॉर्मल रहो, क्या है, एक्सेस दिखाते हो सबको, शो ऑफ करने जाते हो। मान शॉप भी 50,000 का मोबाइल रखेंगे। हाँ देखो, हाँ सिंगापुर से मैं बता दिया है, वो जर्मनी पहुंच जाएगा माल। हाँ बस बस बरोबर है, ओके। अरे इधर सत्संग में क्यों ये जर्मनी सिंगापुर की बात लेके आते हो और 50,000 लाख रुपए का मोबाइल सबको बताने बैठे हो। नॉर्मलिटी रखो, ये अबव नॉर्मल भी नहीं जाना है, इंप्रेशन मान जमाने का नहीं है। ठीक है, समझ में है आपको। और ये फाइल नंबर 3 से बहुत मोह है बच्चे से, तो फाइल नंबर 3 से हाँ। बहुत मोह है, तो रोज जितनी बार मोह आएगा प्रतिक्रमण करना है क्या? नहीं नहीं, मोह काटने का नहीं है, मोह के वजह से उसको दुख देना बंद कर दो। और दुख नहीं देते है, बाद में सफरिंग आता है, ये पढ़ता नहीं, इसके लिए ध्यान नहीं देता है, तो कुछ दुख आ गया तो ज्ञान से सॉल्व करो, 5 अज्ञान से। दुख देना बंद करो और दुखी होना बंद करो, बस दो ही काम बंद करना है। बाकी मोह तो अभी जिम्मेदारी है, फर्ज है, हम अदा करेंगे। जो मोह से क्या होता है, हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो गए तो हम इरिटेट हो जाते हैं, कुछ उनको दुख दे देते हैं, और दुख देने का पार्ट प्रतिक्रमण के दो डालो। और दुखी हो गए तो ज्ञान की 5 अज्ञा की सेटिंग करके सॉल्यूशन ला दो, नहीं व्यवस्थित है, फाइल है, शुद्धात्मा है, निर्दोष है। और एक प्रश्न ये है कि अभी फाइल नंबर 1 से जो भी पाप होते हैं या पुण्य होता है, जो पाप होता है तो प्रतिक्रम कर लेते हैं, जो पुण्य होगा तो वो भी भुगतना तो पड़ेगा ना अगले भव में वापस। सचमुच तो पुण्य भी फल देके चले जाता है। सचमुच पुण्य का कर्ता भाव से कर्मचार्य होते थे। अभी पूर्व का भावना थी कि भाई मंदिर में दान देना है, तो आज फाइल का निकाल किया, दान दे के पूरा किया फाइल। पुण्य और पाप दोनों चार्ज नहीं होते सचमुच, तो सचमुच नहीं होते। जो भी पुण्य होता है वो फाइल नंबर 1 को हाँ, हाँ, जो आज्ञा पालन करते हो उससे थोड़ा पुण्य चार्ज हो जाता है, पुण्यानुबंधी पुण्य। और वे टू महाविद्य क्षेत्र और वहां से मोक्ष के लिए हमें काम आएगा, उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी ये भौतिक पुण्य हमें नहीं चाहिए, इसे तो मनमानी होगी आपकी इच्छा अनुसार, और संसार में भौतिक सुख मिलेगा। और सचमुच तो इधर पुण्य दे, समझ लो मंदिर में किसी ने दान दिया तो उसका फल इधर ही आ जाता है, सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसको सम्मान करेंगे, बहुमान करेंगे, उसमें मंदिर में उसको प्रतिष्ठा में आगे स्थान मिलेगा, वो सब इधर ही पूरा हो जाता है। और कॉजेज में था, एक करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, ज्यादा करना, वो भाव कैरी फॉरवर्ड होते थे। अभी हम संभाव से निकाल करते, तो हमारा ये भाव है संभाव से निकाल करना, ज्ञान में रहना, वो पुरुषार्थ हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, स्थूल क्रिया इधर ही छूट जाएगी, फल देगा। नहीं अभी मन में ऐसा विचार आता है पुण्य भी करेंगे तो वापस भुगतना पड़ेगा। हाँ नहीं, हमें पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होना है। अच्छा। और ये ज्ञान में रहने से दोनों से मुक्त हो, पुण्य सचमुच पुण्य बांधते नहीं, पुण्य का फल भुगत रहे हैं। अच्छा। और पाप का भी फल आएगा, वो भी भुगत के निकाल करना है। पुण्य तो कभी बांधते थे, मैं ही राजेश हूँ और मैंने किया, कर्ता भाव से बांधते थे। अच्छा। और दान देने के टाइम सोचते थोड़ा ज्यादा देना चाहिए था, कम हो गया, पैसे नहीं है, नहीं या तो फोकट का दे दिया, नहीं देने चाहिए, वो नेगेटिव या पॉजिटिव भाव वो कैरी फॉरवर्ड होता है। अभी हम संभाव से निकाल करते हैं तो हमारा संभाव जाने न्यूट्रल कर दिया, जो डिस्चार्ज कर्म को हमने। और एक आखिरी प्रश्न है कि आपने जैसे बताया कि अभी तक जितने भी दोष है उसके प्रतिक्रम करना है, लेकिन कैसे मालूम पड़े कितने प्रतिक्रम करना है जिससे दोष पूरे खत्म हो जाए? क्योंकि अभी तो 30 साल की उम्र में इतने पाप किए, इतने दोष दिए सभी को, क्योंकि अज्ञानता मालूम नहीं था हर बात, तो अभी याद भी नहीं है इतने पुराने बचपन से अभी तक कितने किए, तो कैसे कैलकुलेशन करके अभी इसका पूरा हो गया कि अभी इतने करने और करने? नहीं, वो इंटेंसिटी के ऊपर आधारित है। कोई द्वेष होगा तो इंटेंसिटी उसकी तीव्र होती है, उसको देख के ही वापस जलन हो जाती है, चलिए को सीधा करो। अच्छा। तो उसे ज्यादा प्रतिक्रमण करो, और किसी को देख के कुछ होता ही नहीं, साधारण ही याद आता है और 2-4 बार प्रतिक्रमण करेंगे गिर जाएगा अपने आप, यानी भीतर में मालूम हो जाएगा उसकी जो सफरिंग है। हमें देखो ना, आज कितने आदमी आपको मिलते हैं उसके साथ कुछ लेना देना नहीं, तो वो आदमी के साथ जो हमें द्वेष होता है या मोह होता है, वो वापस हम प्रतिक्रमण किया और बाद में हमें मिले तो नॉर्मल दूसरे आदमी जैसा ही उसके साथ व्यवहार है, यानी कोई आकर्षण भी नहीं होता है, कोई अटैचमेंट भी नहीं, कोई हेट्रेड भी नहीं है, अपने आप ऐसी नॉर्मल स्थिति आ गई तो प्रतिक्रमण पूरे हो गए। और कभी याद आया कैसा लगे इसने मुझे ऐसे क्यों किया, तो बोलने का राजेश प्रतिक्रमण करो, क्यों आप इच्छा रखते हो, आक्षेप देते हो, यानी याद आ जाएगा, अपने आप मालूम हो जाएगा हमें ये कितनी बोझा रहेगा हमें दोष का, धोने से बोझा खत्म हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे, तो लगेगा पूरा हो गया। जैसे संगीता, क्या भूत पिशाच होते हैं क्या? होते हैं ना। और वो कोई रिलेटिव मरने के बाद भी
उसके फैमिली को तकलीफ दे सकता है क्या? वो एग्जैगरेशन है, आउट ऑफ 50,000 लाख में एकाध दो बात सच्ची रहती है, बाकी सब एग्जैगरेशन है। क्योंकि उसकी मनमानी नहीं होती है तो मानता है कि हमारा वो कुछ हमें तकलीफ करने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं रहता। हमारा कर्म ही हमें तकलीफ करता है, कोई व्यक्ति हमें तकलीफ करने के लिए नहीं आएगी। पितृदोष है, सर्प दोष है, ये कोई वड़गण आ गया, कोई हमारे शरीर में कोई आता है प्रेतात्मा, इससे बात ज्यादा करके सब एग्जैगरेशन है, सच्ची बात नहीं है। तो भूत बन के क्या तकलीफ दे सकते? भूत तो देवगति के जीव है, व्यंतर देव है, वो मनुष्य को दुख देने के लिए आते नहीं है, अपने आनंद में रहते हैं, वो उसकी जगह पे रहते हैं देवगति में। तो भूत क्यों कहते हैं उनको? भूत अलग है और प्रेत अलग है, प्रेत पिशाच अलग है, वो प्रेतात्मा बोला जाता है, वो अवगति वाला जीव है, और भूत तो देवगति में गया है। जैसे ज्योतिष देव है, वैमानिक देव है, ऐसे ये व्यंतर देव है। तो और भूत भी अच्छे होते हैं? वो अच्छे नहीं, अच्छे बुरे हमारे लिए कुछ नहीं है, वो अपने आनंद में है, वो देवगति है एक, उसका नाम है भूत योनि, पर वो देवगति के जीव है और वो अपने आनंद में रहते हैं। हाँ, आप बोले भूत भूत को मैं मानता नहीं, तो आपको थोड़ा पर्चा देके जाएंगे, दो चार जापट देके जाएंगे। बहुत जन बच्चों को ऐसे डराते, मतलब भूत गलत अच्छे नहीं है? नहीं, भूत अच्छे रहते हैं, देवगति के जीव ऊंचे है, बहुत ऊंचे है, उनके लिए पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव मत बोलो। बाकी जो प्रेतात्मा बोलते हैं, अवगति वाला जीव है, वो जंड है या पिशाच है या डाकिन है, वो सब वो अवगति वाला जीव है, वो नुकसान कर सकता है, शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मगर आपको कोई तकलीफ न करने कौन आएगा? आप सब घर वाले डरते, आपको कौन डराएगा? आप डरो मत किसी से। नहीं, और ऐसे मेरे कोई फैमिली मेंबर को ऐसा विश्वास है तो वो डिप्रेशन में गए इस चीज की वजह से, तो इसलिए मैंने पूछा। मगर सच वही बताया ना कि मानसिक है सब, सचमुच वो लोग हैरान नहीं करते, हमारी मानसिक स्थिति है और हमारी वीकनेस है, हमें इसके लिए सफरिंग आ जाता है, बाकी बाहर से कोई दुख देने वाला नहीं, उतनी बात समझ लो। अच्छा, और पर्वत तिथि के दिनों में, ऐसे विशेष दिनों में जो हम धर्म करते हैं, तो उसका कोई विशेष आध्यात्मिक फायदा वगैरह कुछ? वो आध्यात्मिक नहीं, वो शारीरिक फायदा है, आयुर्वेद और धर्म का समन्वय किया गया है कि ये जो रेन का मौसम रहता है, बारिश का मौसम, उस टाइम पे जठराग्नि मंद हो जाते हैं, तो ये लोग सब प्रकार की उपवास एकादशी सब बताते हैं, ज़्यादा करके रेनी सीजन में के लिए हमारे हिंदुस्तान में, तो ये स्वास्थ्य के आरोग्य का हेतु है, आयुर्वेद और धर्म का समन्वय किया है, अध्यात्म के साथ लेना देना नहीं है। जय सच्चिदानंद। हेतल सावला। जय सच्चिदानंद। बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि आत्मा से किया हुआ भाव दूसरे आत्मा के लिए, तो उस दूसरी आत्मा पे उसका क्या इफेक्ट होता है, या दूसरे जन्म में फिर से मिलना होता है क्या? एक्चुअली सचमुच तो हमारा राग द्वेष हमारे साथ आता है, और वो आत्मा के साथ सचमुच लेना देना नहीं है। हाँ, उसको इफेक्ट होगी, हमारा द्वेष भाव से उसको दुख लगेगा, पर वैर भाव ऐसा नहीं है कि वही आत्मा हमें जो द्वेष किया तो वही आत्मा हमें दुख देने के लिए आएगा, ऐसा नियम नहीं है। उसने उसके बदले हमारा द्वेष का कोई निमित्त से हमें दुख मिलेगा। यानी सचमुच क्या है कि एक आत्मा और दूसरे आत्मा के साथ सचमुच लेना देना नहीं है। हमारा द्वेष है, हमारा राग है, हमारा मोह है, हमारा विकारी भाव है, उसके वजह से दूसरे निमित्त हमें मिलते हैं दूसरी लाइफ में, वही आदमी होगा या न भी होगा। समझ में आया? राग द्वेष भी नहीं, लेकिन नॉर्मल जो इच्छा होती है कभी, जैसे गुरु और शिष्य, जैसे आपको हमारे मन में इतनी इच्छा होती है आपको मिलना है मिलना है मिलना है, वो अगर पूरी ना हुई तो फिर नेक्स्ट जन्म में आप मुझे मिलना है बोलते हैं, मगर जो दीपक भाई यानी किसको मानते हो? ऐसे कोई ज्ञानी मिले, ऐसे कोई हमें सत्पुरुष मिले, हमें आत्मा का ज्ञान मिले, तो वैसा कोई आपको मिल जाएगा, ये पुरुष मिले या न भी मिले, आपको मिलेगा कोई जो मुक्ति का राह दिखाने वाला होगा, ऐसा कोई मिलेगा। यानी आपकी इंटेंशन क्या है वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होती है, और इंटेंशन जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट को ऐसे नीडल खींच के इकट्ठा हो जाएगी, कौन सी नीडल आएगी वो मालूम नहीं हमें। यानी आपका भाव है तो किसका भाव है? मुझे मोक्ष का दान देना है। हमें भाव है मोक्ष का प्राप्ति करनी है, तो दोनों
कुदरत उसको दोनों को खींच के एक दूसरे के पास लेके आते हैं। समझ में आया? हाँ। और जो कुल देवी हम मानते हैं और उसका हर साल में एक दिन होता है उनके लिए सब मिठाई विठाई बना के वो अर्पण करना होता है, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपके फैमिली वाले मानते हैं तो करो, नहीं मानते हैं तो मत करो। और आप सिमंदर स्वामी की आराधना करते हो, सब देव देवियाँ जबरदस्त राजी है, क्योंकि मोक्ष जाने वाले मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थी के ऊपर देव देवियाँ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनकी भावना ही है कि सब लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, संसार के दुखों से छूटे। तो वो लोग, आप जो आत्मा की आराधना करते हो, सिमंदर स्वामी की आराधना करते हो, तो आपको देव देवियाँ कोई विघ्न करेंगे ही नहीं। हाँ, आपके फैमिली मानते हैं तो आप ज़रूर करो, एक दिन आराम से नैवेद्य धरो और आराम से प्रसाद खाओ और देव देवियों को प्रार्थना करो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े ऐसी कृपा करो, संसार के तमाम प्रॉब्लम्स में हमें शक्ति दो कि हम संभाव से निकाल करके छूटे, हमारा मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़े ऐसी कृपा करो, और जगत का कल्याण हो जाए इसके निमित्त बने ऐसी शक्ति दो, संसार ही मत मांगो। और एक मेरा अनुभव ऐसे है कि रास्ते में जाती हूँ तो गरीब लोगों को देखती हूँ तो दिल में बहुत बुरा लगता है, इच्छा होती है कि उनको कुछ हेल्प करूं, लेकिन वो कभी एक्शन में ज़्यादातर होता नहीं है। फिर से मन में भाव आता है कि मैं सिर्फ सोचती रहती हूँ, करती तो कुछ हूँ नहीं, तो वो बुरा भी लगता है, तो क्या करना चाहिए? कोई जरूरत, ठीक हो, देखो अभी फाइल वन को हेतल को व्यवस्थित प्रेरणा देगी तो देना, नहीं प्रेरणा देती है तो मत दो, और भाव होता है और नहीं दिया गया तो भी बोझा मत रखो, क्योंकि इनका हिसाब और हमारा हिसाब पूरा होता है सामने सामने, और भाव होता है तो एक दिन ऐसे लगता है कि चलो देना है तो दो, और नहीं दिया गया और भाव होता है तो भाव से प्रार्थना करो ये सबको मुश्किलें दूर हो जाए, उनकी तकलीफ दूर हो जाए, उनको शांति मिले ऐसी कृपा करो, उनको भी शुद्धात्मा स्वरूप देखो और प्रार्थना करो। मेरे को एक एक्सपीरियंस सबको बोलना था कि मैं एवरी ट्यूसडे सत्संग यहाँ अटेंड करती हूँ चेन्नई में, और मैंने इतनी बार मांग किया है कि जो भी मेरे मन में कुछ प्रश्न होते हैं कभी वो पूरे वीक में या कभी कुछ उलझन होती है तो मैं आपकी सीडी देखती हूँ और उसमें हमेशा मेरे को एक्सपीरियंस होता है कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हल मिल ही जाता है उसका। तो हर एक लोगों ने सत्संग तो ज़रूरी अटेंड करना ही चाहिए, और हमारी यही विनती है कि आप बार बार यहाँ चेन्नई पधारे, हम सब पर आपका आशीर्वाद रहे और हम आगे बढ़ते रहे। हाँ, सत्संग का टच में रहो तो ही मोक्ष का प्रसाद, मोक्ष का प्रोग्रेस होते रहेगा। और ये दादाजी का तो कभी किसी को उलझन आती है, कुछ प्रश्न आते हैं तो किताब भी खोलते हैं तो भी जवाब मिल जाता है, तो ये या तो सत्संग में पहुँचेंगे और वही VCD में से जवाब मिलेगा। ऐसे तो बहुत सब लोगों का अनुभव है, और ये वही दादाजी की कृपा है सबके ऊपर। आपको भी अनुभव है और हमारे पास इतने रिपोर्ट आते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम, किताब खोले वही जवाब मिला, और सभी को ये अनुभव होता है, यानी ये टच में रहने जैसा है सत्संग की किताबों से भी और प्रत्यक्ष सत्संग से, या VCD सत्संग के टच में ही रहो, हो सके इतना सत्संग में टच में रहोगे तो मोक्ष का पुरुषार्थ के लिए बहुत अंतराय नहीं आएंगे बाद में। जय सच्चिदानंद।